नमस्कार दोस्तों, अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित एरा फिल्म, जहां बॉलीवुड फिल्म का ऑडिशन चल रहा है, आपको लेके जाएंगे। बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं रायपुर स्थित एरा टावर। एरा फिल्म में बॉलीवुड फिल्म का ऑडिशन चल रहा है, तो आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। तो हिमांशु भाई, कैसा लग रहा है आपको ऑडिशन में आने के बाद? कुछ कहना चाहेंगे अनुभव? तो आपको डायलॉग वगैरह मिला या अपना परिचय? नहीं मिला है। लग बहुत अच्छा रहा है। देखो क्या होता है, जो ऑडिशन है, ऑडिशन के बाद बताएंगे क्या हुआ। जी जी। बहुत बढ़िया हुआ आपका ऑडिशन। हुआ? मैं शैलम कुमार, मेरा ऑडिशन अभी हुआ। अच्छा, कैसा रहा अनुभव आपको? बहुत मजेदार। अच्छा अच्छा। अब बाकी तो डायरेक्टर संवाद आप अपना स्वयं का किए हैं या? मेरा सेल्फ का, नेगेटिव था। हां हां, किया वही मैंने दिया। चलो बहुत बढ़िया। अपने भाई भी बैठे हैं, कुछ कहना चाहेंगे दो सब? चलिए तैयारी कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, जरूर होगा, आपके नसीब का कोई नहीं छीन सकता। तो सर, कैसे लग रहा है आपको, मतलब यहाँ ऑडिशन में आने के बाद अनुभव कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। अच्छा, जब बहुत तो बहुत दो शब्द कहना चाहेंगे कलाकारों के लिए, जो युवा कलाकार आ रहे हैं उनके लिए? भैया खूब आगे बढ़े। हाँ हाँ, हौसला देख के हमारा भी हौसला बढ़ता है। बहुत अच्छे लगे, हमारे से आगे बढ़े, टैलेंटेड हूँ। चलिए, और कुछ मशवरा देंगे आप इनको? चलिए चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम शिव भारद्वाज है और मैं थिएटर में काम करता हूँ और यहाँ ऑडिशन के लिए आया हूँ और देखन की परफॉर्मेंस में अपना खरा उतर सकता था। जरूर हुई। तो आप मन से यही, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आत्मविश्वास रखो, एकदम फाड़ देना है। ठीक है ना भैया? आपके भी लुक बहुत जोरदार है, आपके फोटो लूँ मैं एक क्लिप पर। हाँ, लिखवा लो मैडम। कितना स्पेस ले सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक? शौक लगा मैं, हाँ खेला तेरे सामने, शौक लगा था। चल हाथ उठा। अरे उठा ना, ये गांव वाले का हाथ है जयकांत, खेत में हल चलाकर मजबूत हुआ है ये, ना कभी किसी के सामने फैलाया ना फैलेगा। तुमने पुलिस की टोपी में तीन शेर देखे होंगे, मेरे में चौथा है यहां यहां, इसको जो जगाएगा वो हमेशा के लिए सो जाएगा। शेर को अक्सर टीवी में, फिल्मों में, सर्कस में देखा होगा, लेकिन कभी किसी शेर को जंगल में नहीं देखा, शिकार करते हुए नहीं देखा। शेर जब एक पंजा मारता है ना, तो सामने वाला भाई ढेर हो जाता है। जयकांत शिकरे, मैं क्या करूं बता? मैं हर जमन जाता हूं मां, हर एक नया जमन जाता, कुछ सीखूं, कोई शानदार बताऊं, लेकिन कोई बोलो मौका देवे तब ना। मैं अपन जिंदगी से इतना परेशान हो गया माँ कि मोरे लगते मैं कुछ कर लो, लेकिन मौत कभी नहीं आने वाला। मैं का करूं माँ,
तो नाम से लेके ना मां मैं कुछ ऐसे करना चाहता हूँ जो मोला मोर नाम से नहीं मोला मोर छत्तीसगढ़ मां तारी के नाम से मोर मोर बाप के मोर माँ के मोर परिवार के नाम से मोला जाना पर कोई मोला मौका दे तो ना मां पौधों को पानी देने का काम क्या करती थी घरों में काम करके अपना और अपने घर वालों का पेट भरा करती थी ये नंदी सी जान क्या हुआ इसके साथ मैं पूछता हूं क्या हुआ इसके साथ उस कमीने सेठ और उसके बेटों ने से नोच खाया को चीखी चिल्लाई सुना सुना आप लोगों ने अरे नहीं ना कैसे सुनोगे गांधी जी के उन तीन बंदरों में से एक जो हो जो सुनता जरूर है लेकिन अपने कान बंद कर लेता है तुम लोग बहरे हो सकते हो तुम लोग बहरे हो सकते हो लेकिन मैं महाकाल इसके चीख को सुन सकता हूं Hi, my name is Dharmaraj Bhatt. I'm a theater artist. I'm 21 years old. My height is 5'5 and these are my profiles. I am from Rapur, Chhattisgarh, and my contact number is 9399-44-0023. लाला बहुत हो गया आपका अत्याचार रेडी लाला बहुत हो गया आपका अत्याचार हम गरीब हैं हम मजदूर हैं तो शोषण करोगे अब सब हम संगठित हो गए हैं नहीं चलेगा आपका अत्याचार कौन बताएगा आप दोनों में से अपना नाम कैसे हम पूछेंगे ना आपका नाम आपकी उम्र आपके हॉबीज और फिर आपका नंबर माय नेम इज कृपाली एज माय एज इज कृपाली नंबर 7799297 आप बताइए नाम मैं उम्र 6 ओके डांस करते हो कौन से गाने पे डांस कर रहे हो तेरे वास्ते कराया जाए साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप है उनके ख्याल से ये सब गफ है मात्र की उदंती रक्तपाई वर्ग से नाबिनाल ये सब लोग भोग सीधा जान लो मुझे वक्त की गुजली सी पहचान राह से अनजान चढ़ गया ऊपर कहीं कोई निर्दयी कहीं आग लग गई तो कहीं गोलियां चल गई कहीं आग लग गई तो कहीं गोलियां चल गई मेरा घर रायपुर है मोबाइल नंबर 7690-52-5552 जा रहा हूं याद रखना ये मेरे लिए कोई आखिरी दरवाजा नहीं है और यहां आकर मेरे रास्ता खत्म नहीं होते
मैं जानता हूं यहां रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे चेहरे में लिखी हुई सच्चाई सबको बेचैन करती है। मैं एक आईना हूं, जो देखूंगा वो दिखाऊंगा। या तो मुझे दूर किया जा सकता जो आपको अच्छा लगे वो आप स्टार्ट करोगे। तुम्हें एक्शन मैं तुम्हें ना कह रहा हूँ, सॉरी, मैं आप लोगों को बोला था कि ये जो गवर्नमेंट है ये कुछ नहीं करने वाला, कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, स्वयं आपको करना पड़ेगा। इन लोग सिर्फ हम लोगों को एक नौकर और की तरह यूज कर रहे हैं, ये आप लोग का कुछ नहीं करेगा। स्वयं सरकार से अपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्वयं संगठित होकर लड़ना पड़ेगा उससे, आप सचेत रहें। ये आपके लिए जमीन का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी मां है। मेरे पूर्वजों ने इसका उपजाया हुआ अन्न खाकर अपनी जिंदगी बिताई है, और मैं भी इसी का उपजाया हुआ अन्न खाकर जी रहा हूं, और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी इसी का उपचार हुआ अन्न खा के बीतेगी। और आप कहते हैं मैं इसका सौदा करूं? तीन कोस दूर आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, बस वहीं से पानी भर कर लाते हैं हम सर। हाँ, बारिश में तो पानी होता है, पर गर्मियों में वही नदी सूख जाती है। अब क्या करें, पानी की जरूरत तो सबको होती है ना बाबा। आपको प्यास लगी है? अच्छा, अरे क्यों ऐसा कह रही हो कि पानी नहीं दे सकते, सोने का मोल है। चिंता ना करे बाबा, मैं हूं ना, ये लीजिए पानी पी लीजिए, जी भर कर पी लीजिए। काम अब कुछ करना है कि नहीं? मैं कुछ नहीं जानती, कल के कल मुझे डायमंड की नेकलेस चाहिए, मतलब चाहिए, वरना मुझे जॉब करने की तुम इजाजत दे दो, और या तो मुझे डायवोर्स दे दो तुम। इसके आगे और मुझे कुछ नहीं सुनना है। दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे, तुम्हारा डिसीजन है अब आगे क्या करना है। चलो हम लोग चलते हैं। इस रोटी में तुम भी इस दुनिया में इस रोटी के पीछे मत भागना, वरना दुनिया को मैं भी पागल कह दी। ज्ञान अनुभव हा 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 हा। आज तक कोई मेरे इतने नजदीक नहीं आया, आज तुम पहले आदमी हो जो मेरे इतने नजदीक आए, पर तुम क्या करते हो मित्र? जी सर, थैंक यू। चलो अभी थाने में बैठाता हूं, तभी समझ में आएगा कौन अपराध किया है कौन अपराध नहीं किया है। मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर पांडे, मेरा नाम से दुनिया हिलता है, समझे? तुमको भी बता दूंगा, चल बैठाता हूँ। के पास मुझे पढ़ाने लिखाए नौकरी तो दिलाए, उसको बोलते कुछ छोड़ के चले जाए। ये नहीं हो सकता बाबू जी, नहीं हो सकता। मैं कैसे जाऊँ भाभी आप लोग को छोड़ के? मेरे बड़े भी मेरे भगवान है, मेरे बहुत खर्चे किया, वही मेरे लिए माँ, मेरे बापू जी हर चीज थे, मेरे माँ बापू जी जाने के बाद। ड्रेस पूछ ले, मैं सर्विस करता हूँ और मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। एज 44, हाइट 5'3", 9617240900। इससे पहले कलाकारी वगैरह की है? चटर कर रहे सर, उसका अनुभव शेयर कर दीजिए। भैया आपने मुझे बुलाया? भैया आपने मुझे बुलाया? बंटवारा, ये क्या कह रहे हैं भैया? मैं आपसे बंटवारा मांगूंगा? आपने मुझे छोटे से बड़े किए, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, मुझे पैरों पे खड़ा किया, और आज बोलते हो कि बंटवारा ले लो। ये दौलत क्या है बाप, ये दौलत क्या चीज है भैया? इसको तो मैं ठोकर मारता हूं आपके सामने। ये संपत्ति कुछ नहीं है,
देख ना चाचा, ये भैया क्या बोल रहे हैं। मुझे बोलते हैं कि बंटवारा ले लो, मुझे नहीं चाहिए चाचा, मुझे नहीं चाहिए बंटवारा। जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छा रहा ऑडिशन का, अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा था। ये लो चेहरा दिखाइए बाबा जी। हाँ। बहुत बढ़िया आप किए, दिल खुश हो गया। तो चलिए वहाँ जा रहे हैं क्या ऑडिशन में? अनुपम जी के में जी, मैं भी अपने स्टाइल में बोल दूँ। नमस्ते, राम राम, जय जोहार, राज्य मणिका का सलाम। दोस्तों अभी आपको पता हम कहाँ हैं, हमारे हुए ऑडिशन में ईरा फिल्म की जो टावर है, ईरा टावर, वहाँ पर एक फिल्म का ऑडिशन चल रहा है जहाँ हम आए हुए हैं। ये सब हमारे साथी हैं जो हमारे थिएटर ग्रुप के साथी हैं। तो आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जो ऑडिशंस होते हैं उसमें जाइए और अपना जो टैलेंट है वो दिखाइए, आज नहीं तो कल बात जरूर बनेगी। नमस्ते, धन्यवाद, आपके उज्ज्वल भविष्य कामना करते हैं। भाई भाई लोग बहुत अच्छा मतलब ऑडिशन दिए, ठीक है बाबा भाई, मेरा हाँ भेजा। श्री राम सर बुला रहे हैं आपको, आपका थिएटर ग्रुप। हमारे मंगल सर जी बहुत क्रिएटिव लोग हैं, और अमर राज चौहान जी बहुत मेहनती हैं और इतना मेहनत करते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कास्टिंग करते हैं, और ईरा फिल्म की दीदी जी। और हमारा सौभाग्य है कि इतने अच्छे अच्छे लोगों से हमको जुड़ने मिला। सिद्धार्थ निराला जी भी हैं, चलिए